नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह, आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्थल भोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन विच इज द बेस्ट मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यानी कि कौन सी मेडिसिन सबसे बढ़िया है, एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा, इनमें से कौन सबसे बेहतर है। जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं इनको जो है हम वेस्टर्न मेडिसिन्स भी कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स भी कहते हैं। इन ड्रग्स में, इन मेडिसिन्स में कोई भी नई ड्रग अगर आती है तो उससे उसके पीछे पूरा साइंटिफिक बैकअप है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, एनिमल स्टडीज हैं, सारी चीज़ें हैं और दे आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आयुर्वेद जो वर्ल्ड है वो आयुर मतलब लाइफ और वेद मतलब साइंस, ये अथर्ववेद से लिया गया है। आयुर्वेद कहते हैं जो धन्वंतरी है, वैद्य हुए धन्वंतरी, बहुत बड़े वैद्य हुए, उनको खुद भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था और जो आयुर्वेद में दवाइयां हैं और जो पद्धति है उसको फॉलो करने के लिए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये हम फॉलो करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो स्टार्ट की गई बाई सैमुअल हैनेमान। होम्यो मतलब सिमिलर, होम्योपैथी सिमिलर जो मेडिसिन्स हैं उसके लिए जो है होम्योपैथी वर्ड यूज़ किया गया और इसमें मीठी गोलियां या जो है डिकॉक्शंस होती हैं जिनको डिल्यूट करके पानी के साथ जो है जीभ के नीचे रखा जाता है या मुंह में जो है चूसा जाता है, तो ये होम्योपैथिक का मेडिसिन्स हैं। अब जो प्रिंसिपल्स हैं एलोपैथी के, दो मेजर प्रिंसिपल हैं जो फॉलो किए जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स में। कोई भी बीमारी है वो या तो किसी चीज़ की जो हमारी नॉर्मल जो रूटीन है चल रहा है उसमें किसी चीज़ की कमी आ जाए या कोई प्रोसेस जो है वो उस चीज़ की बहुतायत से हो सकता है, आइदर डेफिशिएंसी और ओवर एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेन और पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसका जो प्रिंसिपल है वो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट में ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें जो रूट कॉज है, अगर तो जैसे अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ की कमी को पूरा किया जाता है, तो रिप्लेसमेंट जो डेफिशिएंसी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ओवर एक्टिविटी है तो उसको रिड्यूस किया जाता है और कोई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई बीमारी है तो उसको किल करने की कोशिश की जाती है या उसको मार दिया जाता है, तो जो है उस तरह से अपनी जो दवाइयां हैं वो असर करती हैं, वो प्रिंसिपल है। आयुर्वेदिक दवाइयों में ये कहते हैं कि जो नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम कहीं पे भी बहुतायत करेंगे तो वो नुकसान करेगा हमारे को, हमें बैलेंस बना के चलना है। आयुर्वेद में कहते हैं कि बॉडी में 7 धातु हैं जिसमें रस है यानी कि प्लाज्मा है, रक्त है यानी कि ब्लड है, मांसा यानी मसल्स, मैदा यानी फैट, अस्थि यानी कि बोन्स, मज्जा यानी कि मैरो एंड शुक्र यानी कि सीमेन। आयुर्वेद में और ये कहा गया है कि हमारी बॉडी में 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे ये दुनिया भी बनी है, हमारी बॉडी भी बनी है, यानी कि वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है। और जितने भी पदार्थ हैं उसमें 20 गुण हैं, कंपैरेटिवली 10 पेयर्स हैं उनके, जैसे हैवी है लाइट,
हैवी और लाइट एक ग्रुप है, कोल्ड हॉट दूसरा ग्रुप है, अनक्टस या ड्राई, डल या शार्प, स्टेबल मोबाइल, सॉफ्ट हार्ड, नॉन स्लिमी या स्लिमी, स्मूथ या कोर्स, माइन्यूट या ग्रॉस और विस्कस या लिक्विड। तो ये 20 गुण हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ये है कि हमारी शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। और जो कोई भी बीमारी है, जब इन तीनों दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस होते हैं तो हमारी शरीर, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक से चलती है। जब इन तीनों में वात पित्त और कफ में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका प्रिंसिपल ये है कि एक नॉर्मल बॉडी में, एक नॉर्मल पर्सन में अगर हम कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो जो सिम्टम करेंगी या हम कोई बीमारी करेंगी या उसकी वजह से कोई भी जो डिसीज़ या डिसऑर्डर होगा, उस पर्टिकुलर डिसीज़ या डिसऑर्डर में, उस बीमारी वाले अगर कोई, ये तो नॉर्मल आदमी में हो गया, अगर कोई उस बीमारी से ग्रस्त कोई आदमी है तो उस बीमारी से ग्रस्त आदमी में वही मेडिसिन जो है उसको ठीक करेगी। नॉर्मल आदमी को वो मेडिसिन बीमार कर देगी और बीमार आदमी को वो ठीक कर देगी, वही मेडिसिन। ये प्रिंसिपल है। और इसमें जो है डिफरेंट जो मेडिसिन हैं उनको डिल्यूशंस, डिफरेंट डिल्यूशंस यूज़ की जाती है और उसको बहुत ज़्यादा डिल्यूट करा जाता है, जिससे कि वो अपना सब्सटेंस का जो इनफाइनाइट सिमिकली स्मॉल तक उसकी जो है डोज पहुंच जाती है, यानी कि इवन नॉन एग्जिस्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत हम जैसे पढ़ते हैं नैनो पार्टिकल है, ये उससे भी ज़्यादा जो है नीचे जो है उसका लेवल पहुंच जाता है डिल्यूशंस का। ये अपना जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिंसिपल है। जैसे हम अगर एलोपैथिक मेडिसिन में 500 मिलीग्राम की टैबलेट खाएं या हम जो है 250 मिलीग्राम की टैबलेट खाएं, तो हम कहते हैं कि जो 250 मिलीग्राम की टैबलेट है उसमें, उसके मुकाबले में 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो होम्योपैथी है उसमें डिल्यूशंस की जाती हैं, एक ml को लेके अगर हम 100 ml तक उसको डिल्यूट करते हैं तो दैट इज़ 100x। अगर हम उसको 200 टाइम्स तक डिल्यूट करते हैं दैट इज 200x। और जो 200x है वो ज़्यादा पावरफुल है 100x से, जबकि एलोपैथी में जो 250 मिलीग्राम है उसके मुकाबले में 500 मिलीग्राम इफेक्टिव है, लेकिन 500 मिलीग्राम में दवा की मात्रा ज़्यादा है, जबकि होम्योपैथी में 200x में जो अगर हम दवाई की मात्रा कैलकुलेट करेंगे तो वो 200 गुना डिल्यूट हो रखी है, उसकी क्वांटिटी 200 गुना वो डिल्यूट है, कम है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी और एलोपैथी में। अब जो एलोपैथी के मेडिसिन की एडवांटेज है वो ये है कि जो इनके पीछे का जो बैकअप है, कोई भी मेडिसिन है उसका क्लिनिकल ट्रायल है, एनिमल स्टडीज़ है, सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, हम चेक कर सकते हैं कोई भी बीमारी, किस बीमारी में, अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्टर चेक करते हैं और वो सारा टेस्टेड है। कोई भी इमरजेंसी है तो उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ जो है प्रेफर की जाती हैं, क्योंकि फास्ट एक्शन है। इसके अलावा वाइडली अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, WHO GMP स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिनको फॉलो किया जाता है इनको बनाने में, और इमरजेंसी में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं, इनको जो है फॉलो किया जाता है, इनको ही पूछा जाता है। अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम देखें, डिसएडवांटेजेस देखें, तो ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है। अब कोई बीमारी में अगर मान लो बुखार हो गया तो आप दवाई, बुखार की दवाई खाएंगे तो वो बुखार ठीक करेगी, वो उसका रूट कॉज नहीं ठीक करेगी, तो सिम्टम्स को ठीक करती है, उसकी जड़ पे नहीं अटैक करती।
अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे तो हम एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं, लेकिन जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़्यादा दी जाती है इसमें। हर दवाई के एडवर्स इफेक्ट हैं, कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर है। एक्सपेंसिव है मेडिसिन, टेस्ट में कड़वी हैं, बिटर हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उसकी एडवांटेज ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बैकअप है, इतने सालों से आयुर्वेद हमारी इंडिया में यूज़ हो रहा है। तो टाइम टेस्टेड ड्रग्स हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, वो रूट कॉज पे अटैक करती हैं, उसको जो तीन तरह के दोष हैं, त्रिदोषाज हैं, उनको बैलेंस को ठीक करती हैं। और नेचुरल जो मेडिसिन हैं, नेचुरल ओरिजिन है, नेचर से लिया गया है, साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मिनिमम है, ना के बराबर है या तो नहीं है, या है तो बहुत कम है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी आयुर्वेदिक जो आयुष करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और उसको भी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उनको उनके ऊपर भी जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का इंडियन फार्माकोपिया है, ऐसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी फार्माकोपिया बनाया गया है, और दवाइयों पे काम चल रहा है, उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन को ऐड कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन उसमें भी चल रहा है। इकोनॉमिक है, सस्ता पड़ता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। डिसएडवांटेज ये है कि ट्रीटमेंट स्लो है, कई दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल का बैकअप नहीं है, कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ये इस बीमारी में ये दवाई जो है यूज़ करते हैं। डोसेज फॉर्म जो है कई बार पेशेंट फ्रेंडली नहीं होता। अब जैसे पाउडर है, उसकी जो है स्मेल ऐसी हो सकती है, उसका टेस्ट कड़वा हो सकता है, और पाउडर जो है वो एक चम्मच भर के खाना है पेशेंट ने, कई बार वो कहते हैं भाई गौमूत्र के साथ लेना है, या कुछ ऐसी चीज़ जो है दवाई में जो कि पेशेंट नहीं ले पाता, पेशेंट जो फ्रेंडली नहीं है, पेशेंट कंप्लायंस नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, कुछ मेडिसिन में। ऑल्दो रिसर्च इज गोइंग ऑन, और अब टैबलेट्स फॉर्म में भी आ गई है, जैसे अश्वगंधा था पहले पाउडर फॉर्म में आता था, आजकल अश्वगंधा की टैबलेट भी आती है, तो ये अब जो है उस पर काम चल रहा है। जो है कुछ एक भस्म यूज़ करते हैं, अब उसमें जो परमिसिबल लिमिट है एलोपैथिक में, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स की लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है कई बार, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, मीठी होती हैं, मीठी गोली होती है, पानी में डिल्यूट करके देते हैं, और जो है छोटे बच्चे और जो बूढ़े बहुत पसंद करते हैं, लेडीज़ भी पसंद करती हैं, लेकिन जो है इसमें एडवांटेज के साथ कुछ एक बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी में या जो है उसके मुकाबले में होम्योपैथी जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती है, जैसे पाइल्स हो गई, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ क्रॉनिक डिसीजेज हैं, जोड़ों का दर्द है, तो ऐसे उसमें जो है ये होम्योपैथी मेडिसिन प्रेफर की जाती हैं, एडवांटेज है, वेल प्रूवन है। डिसएडवांटेज ये है कि स्लो इफेक्ट है, महीनों महीने दवाई लेनी पड़ती है, चार दिन का कोर्स, पाँच दिन का कोर्स ऐसा नहीं है, लंबी दवाई जो है खानी पड़ती है। अब जैसे मीठी दवाई है तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो मीठी गोली नहीं ले सकता, तो उसके लिए पानी में डिल्यूट करके दी जाती है, लेकिन जो है एक लिमिटेशन फैक्टर है। इमरजेंसी में प्रेफर नहीं की जाती है, वाइडली अवेलेबल नहीं है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी 10 दुकानें मिल जाएंगी आपको, थोड़ी दूर पे मिल जाएंगी, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन के लिए आपको 3-4 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में एक दो दवाई मिलेगी, तो अवेलेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत आती है। अब नाउ वी हैव टू कंक्लूड, अभी इसमें से कौन सी बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से जो तीनों मेडिसिन हैं वो अपने आप में बेस्ट हैं, इट इज़ नॉट गुड बेटर बेस्ट का सवाल नहीं है। जैसे एक माँ के तीन बेटे हैं, तीनों बेटे ही उसको प्यारे हैं, उस तरह से जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उसमें ये तीन लाइनें हैं, तीन ब्रांचेज हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक,
होम्योपैथिक ये जो मेडिसिन है, इसके अलावा भी कुछ और ब्रांचेज हैं जैसे यूनानी है या दूसरी पत्तियाँ हैं, लेकिन ये तीन पत्तियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो इन तीन पत्तियों में जो है अपने अपने हिसाब से अगर हम देखें तो हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई एलोपैथिक ही बेस्ट है या आयुर्वेदिक ही बेस्ट है या होम्योपैथिक ही बेस्ट है। इसकी बेस्ट सिलेक्शन के डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट, डिसीज टू डिसीज, कंडीशन टू कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम और जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो है एलोपैथिक मेडिसिंस के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं भाई आप जो है पेशेंट को ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ, आप इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, तो वहाँ पे इमरजेंसी में सिम्टोमेटिक रिलीफ में हमें हमारे जो एलोपैथिक मेडिसिंस हैं दे आर द बेस्ट। लेकिन अगर पेशेंट क्रॉनिक उसको बीमारी है जैसे पाइल्स है या आपका जो है जोड़ों का दर्द है, क्रॉनिक है, उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिंस और होम्योपैथिक मेडिसिंस दे आर द बेस्ट। एलोपैथिक मेडिसिंस सिर्फ दर्द को जो है आराम दिलाता है, सिम्टम्स को ठीक करता है, उसके जड़ पे नहीं अटैक कर पाता। जोड़ों के दर्द में रूमटाइड आर्थराइटिस में मेडिसिंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसके रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन पेन किलर्स देते हैं उनके साइड इफेक्ट हैं, पेट में एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाता है क्योंकि सालों साल में पेशेंट उन दवाइयों को खाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी खाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी खाता है, लेकिन उसमें जो है रिजल्ट जो है बेटर है, साइड इफेक्ट्स कम हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों मेडिसिन हैं वो अपने अपने एरिया में दे आर द बेस्ट, और हमें सिचुएशन टू सिचुएशन जो है हमें एज ए जनरलाइज ना करते हुए सिचुएशन के हिसाब से मेडिसिंस का सिलेक्शन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई और डाउट है तो मेरे थंबनेल में मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई वंस अगेन थैंक्स टू myself Mr. Ashish Saini for typesetting of thumbnail and recording of this presentation. Thank you very much. Good day.